हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, हर जगह एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, आरबीआई के द्वारा एक पॉलिसी होती है जो इंप्लीमेंट की जाती है, लेकिन होती क्या है? तो उसको सिंपल और आसान भाषा में कहूं कि मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए इंप्लीमेंट की जाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब सवाल उठता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, तो मैं अपनी इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि पहले थोड़ा सा इन्फ्लेशन को यहां पर डिस्क्राइब करके फिर मैं मॉनेटरी पॉलिसी पे आऊंगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी को जब मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा तो उससे पहले एक टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी इकोनॉमी में पैसा कैसे घूमता है, उसके रिगार्डिंग मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाई हुई है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग पहले उसको भी देख लोगे तो ज्यादा बेटर होगा ताकि आप मॉनेटरी पॉलिसी को इजीली समझ सके। वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं सिर्फ बैंकिंग के एग्जाम्स की, तो बैंकिंग एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं आता है, लेकिन अगर मैं बात करूं यूपीएससी के मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट की, वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी को डेप्थ में समझना बहुत जरूरी है और एक बेसिक नॉलेज के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं उसको थोड़ा डिटेल में यहां पे बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ लेना। तो चलो पहले मैं इन्फ्लेशन के बारे में बता देता हूं फिर मैं मॉनेटरी पॉलिसी पे आऊंगा। तो पहले हम समझते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। तो देखो सिंपल और आसान भाषा में अगर आप लोगों को बताऊं, इन्फ्लेशन का मतलब होता है चीजों का दाम बढ़ना। ठीक है, किन चीजों का दाम बढ़ना? हमारी इकोनॉमी में काफी सारी चीजें हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, हर चीज की डिमांड है मार्केट में। ठीक है, डिमांड नहीं होगी तो इकोनॉमी नहीं चलेगी, सिंपल एंड सॉर्टेड है। तो जितने भी गुड्स और सर्विसेज होते हैं हमारे, उन सभी चीजों का जब दाम बढ़ता है, अब इस गुड्स और सर्विसेज में सारी चीज आ गई। देखिए बात करूं अगर गुड्स की तो वो सारे गुड्स हो गए हम लोग जो खरीदते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी घोड़ा, जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है ना, मोबाइल फोन्स। और सर्विसेज में आती है हमारी वो चीजें जो हम लोग जिसमें गुड्स नहीं खरीदते जिसमें हम लोग सर्विस लेते हैं, जैसे कि एक टीचर को आप फीस दे रहे हो और वो आपको पढ़ा रहा है, एक लॉयर को अगर आप पैसे दे रहे हो तो वो आपको लीगल सर्विस दे रहा है, एक डॉक्टर को आप पैसे दे रहे हो तो वो आपको एक मेडिकल सर्विस दे रहा है, या फिर आप किसी ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो तो वो आप एक सर्विस ले रहे हो, ठीक है ना। तो वो हमारी सर्विसेज होती है। तो इकोनॉमी में हम जितने भी चीजों को पैसे को खर्च करते हैं फिर उससे हम चीजों को यूज करते हैं, तो जबकि गुड्स और सर्विसेज के दाम बढ़ते हैं कंसिस्टेंटली, तो इन्फ्लेशन इज बेसिकली कि जब चीजों के दाम बढ़ने लग जाते हैं हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन सवाल उठता है यहां पे कि इन्फ्लेशन अगर दाम बढ़ रहे हैं तो यहां से पहले तो दो सवाल उठते हैं निकल के, कि पहला सवाल यह आता है कि सर इन्फ्लेशन में जो चीजों का दाम है वो क्यों बढ़ रहा है, और अगर चीजों का दाम बढ़ रहा है तो क्या वो सही है या गलत है। तो पहले मैं बात करूंगा कि किसी भी चीज का जब दाम बढ़ता है ना इकोनॉमी में, तो देखो धीरे धीरे अगर सस्टेनेबल लेवल पे किसी भी प्रोडक्ट का दाम बढ़ रहा है तो वो तो अच्छी बात होती है, वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अगर हम लोग अपनी हिस्ट्री में जाए इकोनॉमिक्स की, जैसे 1930 का डिप्रेशन देखने को मिला था हाइपर इन्फ्लेशन टाइम पीरियड को, तो हाइपर इन्फ्लेशन जो होता है ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कहते हैं कि जब किसी भी प्रोडक्ट का दाम अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित होता है। अब आप इसको ऐसे समझो, अब फिर मैं इसको भी मॉनेटरी पॉलिसी पे कनेक्ट करूंगा। अब आप इसको ऐसे समझो कि जब कहते हैं कि इकोनॉमी में जब लोग ज्यादा पैसा खर्च करने लगते हैं, तो जब ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, कि जब पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है लोग दवा की चीजों को खरीद रहे हैं तो चीजों के भी दाम बढ़ने लग जाते हैं। जहां पे लोग क्या नहीं देख रहे, चीजों का दाम नहीं देख रहे हैं कि महंगी है कि सस्ती, बस लोग खरीदने में लग रहे हैं, तो इकोनॉमी में क्या होता है उसकी सप्लाई बढ़ाते हैं तो प्राइस भी जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो सिंपल एंड सॉर्टेड है कि हम कोई भी चीज इकोनॉमी में जो खरीदते चले जाते हैं तो उधर से डिमांड एंड सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। अब डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, तो उससे रिलेटेड भी मेरी एक वीडियो है, उसमें प्राइस और डिमांड पे कैसे वेरी करते हो सारी चीजों को आप उसमें वीडियो में देख सकते हो, ठीक है ना। तो यही होता है कि जब इकोनॉमी में लोग जब पैसा कंसिस्टेंटली खर्च करते जा रहे हैं तो मार्केट की तरफ से जो प्रोडक्शन होती है तो उसमें भी देखा जाता है कि पैसा जो है प्रोडक्ट पे लगाया जा रहा है, तो चीजों का दाम बढ़ा के प्रोड्यूसर जो होता है वो प्राइस को बढ़ा देता है अपना प्रॉफिट निकालने के लिए, और यही होता है इकोनॉमी में चीजों का दाम बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। और इससे फिर रिलेटेड जैसे पेट्रोल हो गया, करेंसी हो गई, डॉलर हो गया, उन सारी चीजों का प्राइस वेरी करता है, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो अगर आपको डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में भी वीडियो देखेंगे तो वो भी मेरे एक लिंक में अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो कि कैसे जो डॉलर है वो हमारी वर्ल्ड की करेंसी बन गया। तो इन सारी चीजों पर इंपैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन में इसलिए दाम बढ़ता है चीजों का। अब धीरे धीरे दाम बढ़ेगा तो ठीक है, कंसिस्टेंट बढ़ेगा तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन होता है, वो इकोनॉमी के लिए बहुत ही डेंजरस साबित होता है, वो इतना
ज्यादा डेंजर साबित होता है कि इकोनॉमी जो है क्लैश भी कर सकती है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी देश के कोई भी सेंट्रल बैंक के द्वारा मॉनिटरी पॉलिसी लाई जाती है। तो अब मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, यानी कि जो चीजों का दाम बढ़ेगा उन चीजों के दाम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, चीजों का दाम कैसे बढ़ रहा था, लोग जो है इकोनॉमी में पैसे को खर्च करते जा रहे थे, तो जब पैसा जब लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो चीजों का भी दाम बढ़ जाता है मार्केट में। और क्यों बढ़ता है दाम, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो पैसा खर्च करे जा रहा है, तो प्रोड्यूसर भी देख रहा है कि पैसा जब इकोनॉमी में खूब आ रहा है तो सही टाइम होता है प्रॉफिट कमाने का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पे। तो मॉनेटरी पॉलिसी के मैंने बारे में जो मैं आप लोगों को बता रहा था, तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी में कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को समझने के लिए ना पहले आप लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जरूर समझो कि इकोनॉमी में जो पैसा हमारा कैसे घूम रहा है गोल गोल। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट को एक बार अगर आप देख लोगे वन सेक्टर इकोनॉमी के अकॉर्डिंग तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को लेकिन कंट्रोल करोगे कैसे, तो सिंपल एंड अगर आसान भाषा में कहूं तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के काफी सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, जो लोन दिया जाता है, तो जब लोन दिया जाता है तो जो लोन देने में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं, आरबीआई बढ़ा देता है। अब आप सिंपल सी बात है, अगर आपको मान लो बैंक से लोन मिल रहा है 15%, तो आप क्या गाड़ी खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो गया। और वहीं आपको बैंक दे देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा दिया, कम ब्याज पे आपको लोन मिल रहा है तो आप फटाफट लोन खरीद लोगे। तो इकोनॉमी में भी यही होता है हमारा कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है तो पैसे का कंट्रोल हो जाता है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो पैसे का कंट्रोल हो जाता है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है तो पैसे का फ्लो बढ़ जाता है, और इसी पैसे के फ्लो को कम ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से आरबीआई जो होता है वो कंट्रोल करता है। अब ये पूरी साइकिल कैसे चलती है, देखो अब मैं इसको समझाऊंगा आप लोगों को बोर्ड पे। तो अब हम अपनी मॉनिटरी पॉलिसी के इंटरनल स्ट्रक्चर को पूरे अच्छे से समझेंगे। तो देखो क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बताया था, देखो ये बैंक हो गया हमारा, आप आरबीआई कह लो इसको या कुछ भी कह लो। ठीक है, इकोनॉमी में दो तरह के लोग होंगे, एक तो होगा हमारा जो कंज्यूमर होता है, ठीक है, जो कंज्यूमर जो पैसा जो है खर्च करेगा, और दूसरी होती है हमारी फर्म। फर्म का काम क्या है, चीजों को बनाना। भाई फर्म जो है काफी सारी चीजों को बनाएगी, जो प्रोड्यूसर हो गया बेसिकली, इंडस्ट्रीज हो गई, वो सारी चीजें बनाएगी यहां से जो भी चीजें मार्केट में आ रही है। और कंज्यूमर का काम क्या होता है, कंज्यूमर का काम होता है चीजों को खरीदना, जॉब वो भी कर रहा है इकोनॉमी में और वो चीजों को खरीदेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पैसा जो इकोनॉमी में घूमेगा। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, देखो मॉनेटरी पॉलिसी में दो कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है सेविंग और एक होता है इन्वेस्टमेंट। अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है इसको पहले हम समझ लेते हैं। देखो जब किसी इंसान की सैलरी मिल रही है, मान लो किसी भी इंसान की सैलरी 1,00,000 रुपए है, ठीक है, उस 1,00,000 रुपए में से एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लो, 60,000 वो बंदा जो है खर्च कर रहा है, जिसमें उसके ईएमआई चली गई या उसका घर का रेंट मान लो, या फिर आप उसमें उस बच्चों की स्कूल फीस हो गई, हेल्थ का खर्चा हो गया, खाने पीने का खर्चा हो गया, ऐसे करके वो इंसान 1,00,000 में से 60,000 रुपए खर्च कर देता है। तो जो 60,000 खर्च कर रहा है वो उसका एक्सपेंडिचर हो गया, और बचा जो 40,000 रुपए वो क्या रह जाएगा, वो रह जाएगा उसका इकोनॉमी में हमारा सेविंग, उसी को हम सेविंग कहते हैं। तो इंसान जब अपनी सैलरी में से या अपनी इनकम में से जब इंसान खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम सेविंग कहते हैं। अब आप सोच के देखो, हर इंसान का सैलरी, हर इंसान की इनकम टेक्निकली तो बैंक अकाउंट्स में आती है, तो सोच के देखो इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का जो पैसा होगा वो बैंक अकाउंट में जाएगा, तो यानी कि हमारे देश पे वेल्थ क्रिएट हो जाएगी बैंक अकाउंट्स में। तो बैंक के पास जब पैसा होगा, जब सेविंग होगी अच्छी खासी, तभी तो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। क्योंकि इकोनॉमी में क्या होता है कि जितनी भी बिजनेस फॉर्म्स होती हैं, या आप टेक्निकली भी सोच के देखो, जितने भी ज्यादा लोग होते हैं लोग हमेशा लोन पे ही काम करता है। अगर इंसान गाड़ी ले रहा है तो वो लोन पे लेता है, घर खरीदता है तो लोन पे लेता है, ठीक है। और जितनी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस होती है, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है, जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, वो सभी लोग बिजनेस पार्टनर्स जितने भी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, हमेशा लोन लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे इकोनॉमी में कि आप देख के चलो कि भाई जो सेविंग है हमारी, अब सेविंग जो है हमारी बढ़ेगी। सेविंग क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हर इंसान जो है या तो खर्च करेगा या जोड़ेगा, ठीक है ना। इंसान कुछ भी कर सकता है, 1,00,000 में से हो सकता है 50,000 खर्च करे, 50,000 वो जोड़ेगा, कैसे भी कर सकता है, या 1,00,000 रुपए ही खर्च कर दे इकोनॉमी में, ठीक है। तो सेविंग जब बढ़ेगी, तो इसलिए सेविंग बढ़ेगी तो फिर यहां पर इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी बढ़ेगी जो, मैं उसको बाद में बताता हूं,
इकोनॉमी कब बेटर रहेगी? इकोनॉमी बेटर रहती है जब हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होती है, लेकिन हार्डली ये कंडीशन देखी जाती है इकोनॉमी में कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमारी बराबर रह सकती है, क्योंकि सेविंग का कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि इंसान जो है पैसा है तो खर्च करेगा या पैसा जोड़ के रखेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, अगर वो सारा ही खर्च कर देगा तो वो भी गलत है इकोनॉमी में, क्योंकि सेविंग नहीं रहेगी इकोनॉमी में। तो क्या होता है कि जब सेविंग होती है तो ये सेविंग इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। अब कैसे काम करेगी? अगर मान लो सेविंग बढ़ रही है इकोनॉमी में, यानी कि सेविंग ज्यादा कर रहे हैं लोग आजकल, लोग पैसा जोड़ने में लग रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं, तो वो भी नहीं ठीक होगा। तो जब सेविंग ज्यादा होगी तो बैंक क्या करेगा, यहाँ पे जो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, ROI मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, उसको गिरा देता है वो, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता हो गया, आओ चलो पैसा ले लो, लोन ले लो। तो क्या होगा कि जब लोग लोन लेंगे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सेविंग बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली बात है घट जाती है, क्योंकि लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहता। तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया जाता है तो इन्वेस्टमेंट जो है फिर बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी क्योंकि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया है। तो अब रेट ऑफ, अब जब इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगी, शुरू से शुरू करते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट होता है हमेशा यही कि सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बराबर अभी नहीं है इकोनॉमी में। तो क्या होता है कि कंडीशन दो बनेगी यहाँ पे, तो दो कंडीशन कैसे बनेगी हम देखते हैं। देखो, पहली कंडीशन आएगी कि या तो सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगी, अगर सेविंग का अमाउंट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, यानी कि इकोनॉमी में सेविंग अब ज्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, तो बैंक क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को गिरा देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को गिराएगा तो क्या होगा, लोग, सेविंग ज्यादा है क्योंकि पैसा ज्यादा है तो ले लो लोन, तो क्या होता है फिर लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा कि लोग इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी, सेविंग कम हो जाएगी, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि लोग जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था तो लोन ज्यादा ले रहे थे, लोन ज्यादा लेंगे तो फिर वो इकोनॉमी में ज्यादा खर्च करेंगे, ठीक है, और फिर यही होगा, उसके चलते हुए क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और सेविंग कम हो जाएगी, यानी सेविंग इकोनॉमी में कम होगी, लोग खर्च ज्यादा करने लग जाएंगे लोन ले लेके, फिर क्या होगा, RBI फिर देखेगा कि अरे यार लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जब इकोनॉमी में लोग पैसा ज्यादा खर्च करेंगे तो फिर इन्फ्लेशन आने की तादाद आ सकती है। तो ऐसे केस में फिर RBI क्या करता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, उसको फिर वो बढ़ा देता है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो बढ़ाएगा तो उससे क्या होगा कि फिर वापस से लोग लोन कम लेंगे, तो फिर इकोनॉमी में इन्वेस्ट कम होगा। तो जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट इसी के कंटेक्स में काम करती है, यानी कि जब सेविंग इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाता है, और उससे फिर गिराने से क्या होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे और इकोनॉमी में स्पेंड करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट जब ज्यादा हो जाएगी और सेविंग कम हो जाएगी तो क्या होगा, तो फिर डर रहता है इन्फ्लेशन का, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फिर RBI क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है, ताकि लोग फिर इन्वेस्ट कम करेंगे, पैसा कम लेंगे लोन पे, तो वापस से उसको बैलेंस लाने के लिए। और इन्वेस्टमेंट और सेविंग अगर इक्वल रहेगा इकोनॉमी में, तो वो सबसे ज्यादा कहते हैं हेल्दी इकोनॉमी होती है, और वही कंटेक्स्ट में हमारा मॉनेटरी पॉलिसी वर्कआउट करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के काफी सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, ऐसे कई सारे रेट्स होते हैं जिसके, जो RBI के द्वारा लगाए जाते हैं बैंक अदर बैंक्स पे, और उसके चलते हुए उससे फिर पूरा का पूरा इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है। तो आप इसको ऐसा समझ लो कि रिजर्व बैंक, यानी कि जो RBI होता है, सेंट्रल बैंक होता है, उसका एक मेजर रोल होता है हमारी इकोनॉमी को पूरा कंट्रोल करने में, उस पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने में। अब ये तो मैंने पूरी टेक्निकल तरीके से इन बातों को समझाया, अब इसको सिंपल और आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे RBI को समझ लो, आप पेरेंट्स हो गए और पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि अगर ज्यादा पैसा देंगे तो बच्चे ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उसको ज्यादा खर्च करेंगे तो वो बिगड़ेंगे। तो वही कंटेक्स्ट होता है हमारा इकोनॉमी का, के इकोनॉमी में जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो वो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, तो इकोनॉमी जो है ज्यादा खराब होगी, फिर क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो रिसेशन, डिप्रेशन, ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि किसी भी चीज का फ्लो अगर है तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो वो जो पैसे का पूरा फ्लो होता है इकोनॉमी में, उसको कंट्रोल किया जाता है हमारे बैंक, यानी कि RBI के द्वारा पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है, ताकि किसी भी तरीके का रिसेशन जैसी चीजें ना देखने को मिले, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो कंट्री में बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को रोजगार भी देना है टाइम से, लोगों की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है, हर इंसान को नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, तो उन सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इस तरीके से वर्कआउट की जाती है।
तो आई होप आप लोगों को मेरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था मेरा टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, और साथ ही साथ थोड़ा सा जो मैंने आपको इन्फ्लेशन के बारे में स्टार्टिंग से बताया था। इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझना हो तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला जो मैंने अलग से टॉपिक बताया था उसको भी जरूर देखना, उससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तभी आपको मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से समझ में आएगा। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।